आगे कृषि कानून पर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने राज्यसभा पर बोलते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के एक फैसले के चलते आज अन्नदाता सड़कों पर है, जबकि सरकार को चाहिए कि उसकी बातें सुननी चाहिए, क्योंकि जनता की बात सुनने से कोई छोटा नहीं होता। दिल्ली के आसपास लाखों की तादाद में बैठा है। आपने कहा मंडिया, अनुराग जी ने कहा मंडिया खत्म नहीं हुई, सही बात है। मंडी इसमें कोई प्रावधान नहीं, मंडी समाप्त करने का। दो मंडियां बन गई, एक निजी मंडी जिसमें टैक्स नहीं लगेगा और एक सरकारी मंडी जिसमें टैक्स लगता है। दो मंडी, एक देश एक विधान, एक देश एक संविधान, एक देश एक निशान, एक देश एक चुनाव, एक देश एक मार्केट, तो एक देश दो मंडियां क्यों? किसान ही क्यों मिला आपको? एक मंडी, और ये जो टैक्स आप कह रहे टैक्स मुक्त कर दिया, टैक्स कौन देता है? खरीदार देता है इन मंडियों में टैक्स, किसान नहीं देता। पंजाब में 6.5%, हरियाणा में 4%, और सरकार को देता है। हरियाणा पंजाब का आज ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा क्यों है? हर गांव में अच्छी सड़कें क्यों है? क्योंकि ये जो टैक्स जाता है ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर और इन मंडियों के और किसानों के विकास के लिए इस टैक्स का इस्तेमाल होता है, इसीलिए आज पंजाब हरियाणा सबसे आगे। मंडी जिस प्रकार से हरियाणा में हर 10 किलोमीटर में मंडी हमने स्थापित करी थी अपनी सरकार में, पूरे देश के अंदर हर 10 किलोमीटर में मंडी बने। दूसरा, प्राइवेट अगर आए तो मंडियों के अंदर आए, एमएसपी से ज्यादा पे खरीदें, एमएसपी से कम पे खरीदते हैं तो कानूनी कार्रवाई हो, वो ऐसी खरीदारी अलाउ ना हो। तीसरा, एमएसपी की कैलकुलेशन C2 के आधार पे हो, A2 कॉस्ट नहीं, C2 खर्चे के आधार पे एमएसपी कास्ट हो, जो आज किसानों की सबसे बड़ी मांग है। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, एक बात आई कि ओपन मार्केट, फ्री मार्केट अच्छी है। फ्री मार्केट हर चीज के लिए अच्छी नहीं है। मार्केट, अनियंत्रित मार्केट, किसान को आप अमेरिका का उदाहरण ले उठा के देखिए, अमेरिका में 1/4 लोग कृषि से जुड़े हुए थे आज से 50-60 साल पहले, फ्री मार्केट लेके आए, आज मात्र 1% अमेरिका की जनसंख्या कृषि पर आधारित है। क्या एक कंसेप्ट आया फ्री मार्केट के बाद? गेट बिग और गेट आउट। छोटा किसान सर्वाइव नहीं कर पाया बड़े बड़े धनाडों के आगे, बड़े बड़े कॉर्पोरेट प्लेयर्स के आगे। आज अमेरिका के अंदर 450 एकड़ का की जोत वाला एवरेज किसान के पास, हिंदुस्तान की तो है किसान की एवरेज जोत आज मात्र 1.7 एकड़ है। हमारी तो 50% आबादी कृषि क्षेत्र में निमंत्रित है, ये कैसा मुकाबला करेंगे बड़े कॉर्पोरेट्स का? गेट बिग और गेट आउट, ये गेट आउट होंगे तो कहां जाएंगे? तो मैं मांग करता हूं बातचीत के दरवाजे, क्योंकि आप भागे थे 11वें राउंड में बातचीत से, 12वीं बातचीत के दरवाजे खोलें। आपकी प्रजा है, अपनी प्रजा की बात मानने से आप छोटे नहीं होंगे, अपनी प्रजा की बात मानने से आपकी हार नहीं होगी, बातचीत के दरवाजे खोलते हुए। और दूसरा, जो 200 लोगों ने, 200 से ज्यादा किसानों ने अपनी जान कुर्बान करी है, उनके परिवारों के लिए आपके लिए सहानुभूति का एक शब्द नहीं निकला, कम से कम उनके परिवारों की मदद के लिए एक पैकेज की घोषणा करके विश्वास बनेगा। हम विश्वास बनाने वाले लोग हैं, विश्वास बनेगा। मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपकी प्रजा, आपके लोग हैं, इनकी बात मानिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। फिलहाल यहां